आज हम आपके लिए फिर लेकर के हाजिर हैं एक और औषधीय गुणों से भरपूर, पूरे देश के अंदर प्रचलित और हमारे जीवन में, हमारे जेहान में, हमारे किंवदंती और मुहावरों में प्रयोग करते हैं हम, जिसका आइए हम चर्चा करते हैं आकाशीय अरबिका के विषय में। ये आकाशीय अरबिका, जिसको हम बोलते हैं बबूल, बबूल या किकर, किकर का यह पेड़ जो होता है ज़्यादातर सूखे एरियाओं में, मरुस्थल में, राजस्थान के रेतीले भूमि पर, वह पेड़ जिसको हम जानते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, इस रूप में हम जानते हैं। परंतु हमने यह तो जाना कि आम के लिए आम के पेड़ बोने पड़ते हैं, परंतु एक रहस्य की बात यह है कि जिस ऋतु में फूल आता है उसी ऋतु में फल भी लगते हैं वृक्ष पर। कीकर का पेड़ पर ऐसा है कि फूल खिलते हैं ग्रीष्म ऋतु में और फलियां आती हैं शरद ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में जब बारिश शुरू होने को होती है, तब कीकर में फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद में वो सारे फूल झड़ जाते हैं, उन फूलों में फल नहीं लगता है। इससे यह भी पता चलता है हर फूल में फल नहीं हुआ करते, शायद यह भी आप कीकर से सीख सकेंगे। और जब सर्दी के मौसम में जब इसमें होती हैं फलियां, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कीकर की फलियां यहां पर हैं लगी हुई। हालांकि यह कीकर की ही प्रजाति है। शरद ऋतु में हमने फूल खिलती हुई टहनी को आपके लिए ढूंढा है, तो उसके साथ में आप देख रहे हैं इसमें कीकर की फलियां भी लगी हुई हैं। तो शरद ऋतु में जब अब सर्दी में इस कीकर में फलियां आती हैं, तो पता भी नहीं चलता कि इस फलियों में कभी फूल आया कि नहीं। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी फलियां लग रही हैं और यह बहुत ही गुणकारी हैं। तो कीकर को हम बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे गुणों के संदर्भ में आयुर्वेद में जानते हैं। यह हमारे देश का मूल निवासी है और यह विविध रोगों में अत्यंत लाभकारी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके बहुत सारे गुणों के संदर्भ में। तो आइए जानते हैं इस बबूल को। यह आम तो नहीं दे सकता, पर बबूल, बबूल ही बना रहे अपने आप में बहुत ही पर्याप्त है। इस बबूल के गुणों को हम जानें और इस बबूल के द्वारा हम पूरे देश को और पूरे समाज को और पूरे हमारे रोगों से ग्रसित लोगों को कर सकते हैं रोग मुक्त। इस बबूल के कुछ गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जो लोग बबूल को जानते हैं, उनको पता है कि बबूल का जो दातुन होता है, कीकर का जो दातुन होता है, इतनी मोटी सी आप देख रहे हैं, यह इतनी मोटी डंडी से लेकर के इस उंगली भर की जो मोटी डंडी होती है, यह आप दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में नीम और कीकर, ये दो ऐसे पौधे हैं जो दातुन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। उनमें भी बबूल का दातुन सर्वोत्तम माना जाता है। इससे आपकी दांत की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, गम्स की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ब्लीडिंग होती हो, चाहे वह स्वेलिंग हो, इससे पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो उसके लिए आपको, आप देख रहे हैं, यदि आप शहर में रहते हैं तो गांव से ये कीकर की जो दातुन है आप मंगा सकते हैं और सूख जाए। यदि कीकर का दातुन सूख जाए तो हरे में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सूख जाए तो रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह प्रातः काल उठ करके वो दातुन को आप कीजिए, तो आप देखेंगे इससे आपके मसूड़े मजबूत होंगे, दांत आपके मजबूत होंगे, दांत के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा और मुँह के छाले भी नहीं होंगे। दांतों के लिए बहुत ही रामबाण है यह कीकर की, यह बबूल की, यह दातुन। और जो विविध मंजन है, हमने भी जैसे आप देख रहे हैं यह पेड़ का बबूल का छाल है, तो जो कीकर का छाल है वह अत्यंत लाभकारी है वह दांतों के रोगों के लिए। तो हम मंजन में कीकर के छाल को मिलाते हैं और आप भी कीकर के छाल को कूट करके, पाउडर करके, थोड़ा सा फिटकरी में ला करके और उसमें थोड़ा लौंग और काली मिर्च
या और भी त्रिफल आदि द्रव्यों को मिला करके आप मंजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कीकर के छाल से युक्त मंजन बहुत ही गुणकारी होता है। हालांकि पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर के द्वारा जो हम मंजन बनाते हैं, आपका दिव्य दंत मंजन, वह भी अत्यंत लाभकारी है, आपके दांतों के लिए अत्यंत गुणकारी है। तो दांतों के लिए कीकर के पेड़ की छाल का जो पाउडर है, वो पाउडर मिक्स जो मंजन है, वह अत्यंत लाभकारी है। और डायरेक्ट मिल जाए तो यह कीकर बबुल की जो दातवन है, वह आपके दांतों के लिए बहुत ही कारगर है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं इस बबुल के अंदर ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को यदि आप थोड़ा मुंह में लेकर के खूब अच्छी तरह से चबाएं, इसका जो लार है, इससे भी आपके मसूड़े होंगे मजबूत और मुंह के छाले होंगे दूर। मुंह के छालों के लिए इस बबुल की पत्तियों को चबाना, चबा करके खूब अच्छी तरह से बाद में इसको थूकना, यह भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और जिनको प्रमेह की शिकायत है, जिनको धातु रोग है, जिनको बार बार नाइट फॉल होता है, उन युवकों के लिए और जो लिकोरिया से ग्रसित युवतियां हैं या मेरी माताएं बहनें जिनको श्वेत प्रदर की शिकायत है, उन रोगियों के लिए भी यह एक चमत्कारिक और गोपनीय प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। इन यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहने वालों के लिए जहाँ कीकर के पेड़ सहजता से सुलभ हैं, प्रतिदिन सुबह उठ करके आप इसकी जो कोमल ये पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को लगभग आप 5-7 पत्तियों को तोड़ करके उसको चबा चबा करके उसको निगल लें और ऊपर से आप एक गिलास पानी पिएं, प्रतिदिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको प्रमेह की, प्रदर की जो बीमारी है, वह 100% ठीक हो जाएगी। जो शहर में रहते हैं, जिनके यहाँ पास ये ताजे कीकर के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं, वो गांव से बबुल के पत्तों को मंगा करके छाया में सुखा करके पाउडर करके रख लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री मिला करके या बिना मिश्री मिलाए भी लगभग 1-3 ग्राम तक की मात्रा में सुबह एकदम खाली पेट आप प्रतिदिन सेवन करें। सिर्फ एक टाइम प्रातःकाल सेवन करने से कितनी भी भयानक लिकोरिया हो, माताएं बहनें कई बार बहुत परेशान होती हैं, बहुत सारे उपचार और औषधि करने के बाद में भी लिकोरिया जैसी खतरनाक जटिल और बड़ी दुखदाई जो परेशानी है, बीमारी है, वह भी आप इन कीकर के पत्तों के द्वारा दूर कर सकते हैं। यह चाहे वह स्त्रियों का रोग हो, चाहे पुरुषों का रोग हो, बहुत ही लाभकारी है धातु रोगों के लिए, प्रमेह और प्रदर के लिए। और जिन मेरे भाइयों को स्वप्न दोष है या प्रमेह की शिकायत है, दांत की शिकायत है, आज बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगे होते हैं शादी से पहले और शादी के बाद, शादी से पहले या शादी के बाद असंयम की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी संयमित आप जिंदगी को जीना शुरू कर दें, संयम और सदाचार के साथ में सिर्फ आप इस कीकर की पत्तियों का भी यदि आप पाउडर करके प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से यह कीकर की पत्तियां आपकी शारीरिक क्षणता को, आपके धातु रोग को, आपके प्रमेह और प्रदर को पूरी तरह से ठीक करेगा।